गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेजी क्लास। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करती हूँ। सॉरी, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ जिसका नाम है एडिशन। एडिशन कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी, फिर मैं आपका डे 12, डे 13, डे 15 स्टार्ट करूंगी। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ एडिशन कैसे करते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। ये एडिशन का क्या होता है? ये होता है एडिशन का प्लस का साइन होता है। तो एडिशन कैसे होता है? जैसे ये है हमारे पास 3 नंबर, ओके, और नीचे दिया हुआ है 2 नंबर, तो इसको मुझे क्या करना है? ऐड करना है, एडिशन करना है, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं यहाँ पे 1 हो जाता है 3 की जगह। पहले आप लोग इजी सीखो कैसे होता है। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कैसे ऐड किया जाता है। ये देखिए, ये है मेरे पास 3 पेन, कितनी 1 2 3, यहाँ पे नंबर कौन सा दिया है? 3 नंबर। अब मुझे ऐड क्या करना है? 1 ऐड करना है इसमें। तो चलिए अब मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ। मेरे पास पहले से क्या था? 3 पेन थी, मैंने उसमें 1 ऐड कर दी। अब हमें इसे काउंट करना है तो ये कितनी हो जाएगी? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये है 4 और ये है 1। अब हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे इसे ऐड करेंगे। सपोज ये है आपके पास 4, 4 पेन है, 1 2 3 4, ये आपके पास 4 पेन हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है। क्या करना है? 1 ऐड करना है। चलिए ये मैंने एक मार्कर लिया और इसमें एक ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम इसको काउंट करते हैं, मेरे पास टोटल कितनी पेन हो गई? 1 2 3 4 5, 4 थी मेरे पास, मैंने 1 ऐड कर दी तो मेरे पास कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। वेरी गुड। चलिए अब तो ये हुआ आपका पेन से सीखने का पैटर्न, पेन से आपने सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है, इन केस ये हो गया 5 नंबर, नीचे है 2 नंबर और ये है एडिशन प्लस का साइन। तो चलिए अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, अगर मेरे पास पेन नहीं हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। तो चलिए ऊपर कौन सा नंबर दिया है बच्चों? 5 नंबर। कौन सा नंबर? 5 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 5 9 खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे कौन सा नंबर दिया है? नीचे 2 नंबर दिया है। कौन सा नंबर? 2 नंबर। तो हम लोग 2 लाइन खींच देंगे इसके बगल में, 1 2। अब हमें क्या करना है? ये जो मैंने लाइन खींची है, अब हमें इन सारी लाइन को क्या करेंगे? एक साथ काउंट कर देंगे, 2 यहाँ पे उतारेंगे। अब एक साथ इसे क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये देखिए मजा आया एडिशन करके। तो ये आपका क्या हो गया? ऐड करना। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से पेन के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको एक और इजी पैटर्न मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। आपके पास 10 फिंगर्स है, आप 10 फिंगर्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे मैं बता दूं कैसे, देखिए चलिए देखिए ये है 6 और ये है 1। अब मुझे इसे ऐड करना है तो मैं इसे कैसे ऐड करूंगी? सभी बच्चे अपने फिंगर पे 6 फिंगर पहले ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 5, और ये क्या हो गई? 1 ऐड। तो 6 फिंगर, अब 6 में आपको क्या करना है? 1 ऐड करना है। ये मेरे पास 6 फिंगर है, लुक एट हियर, ये 6 फिंगर है। अब इसमें मुझे 1 ऐड करना है। ये देखिए मैंने 1 ऐड कर लिया, टोटल इसके आप काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने नंबर आ जाएंगे? 7 नंबर। ओके बच्चों,
मजा आया एडिक्शन सीख कर, तो आप सभी बच्चे इसको घर पे ऐड करेंगे, मैं भी होमवर्क दूंगी, तो आप सभी बच्चे मैथ में इसको वर्क करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। योर सब्जेक्ट इज थीम फोर, हियर देयर एवरीवेयर, यहाँ वहां सब जगह। चलिए बुक ओपन करिए। चलिए टेन ट्वेल्व है आपका। आइडेंटिफाई कलर ट्रेस एंड ड्रॉ द शेप्स। ये देखिए इस तरह से कुछ शेप्स बने हैं स्क्वेयर्स। इसमें ये शेप्स जो बने हैं आपको क्या करना है, ये सर्कल बना है आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये जो बॉल बनी हुई है आपको इसे क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद आपको यहाँ ड्रॉ करना है, और इन पिक्चर्स को क्या करना है, कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डे थर्टीन। डे थर्टीन है आपका एस एल ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिश्रण, मिला हुआ, मिलना जिसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर आपका 13 है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे इसको रीड करेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको इसमें क्या करना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द ब्लेंड, राइट द वर्ड एंड कलर द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर, राइट द ब्लेंड, राइट द वर्ड एंड कलर द पिक्चर। ये देखिए इसमें एस एल ब्लेंड दिया हुआ है, यानी फर्स्ट है आपका स्लैब। स्लैब मीन्स क्या होता है, मारना, चाटा मारना, ठीक है। फिर है स्लैम, फिर है स्लिप, फिर है स्लो, ठीक है। ये सारे एस एल वाले वर्ड हैं। आपको इनको क्या करना है, ये पहले आपको इस तरह से ट्रेसिंग करनी है। ये देखिए आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया है, आपको इसको क्या करना है, आप सभी बच्चों को इसको पहले इस तरह से ट्रेसिंग करेंगे, फिर आप इसी को यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक। इस तरह से आपको अपनी ये वर्क कंप्लीट करना है, और ये जो पिक्चर बनी है इन पिक्चर्स को क्या करना है, कलर करना है। नीचे दिया है नाउ राइट द वर्ड्स। ये जो सारी वर्ड लिखे हैं स्लैब, स्लैम, स्लिप, स्लो, आपको इन वर्ड्स को क्या करनी है, पहले ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। ट्रेसिंग करके इसको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका डे 15 में है आपका मिक्स्ड शेप। मिक्स्ड शेप मीन्स इसमें सारे शेप एक साथ दिए हुए हैं। शेप कौन कौन से होते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, तो ये सारे क्या होते हैं, शेप होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपकी बुक में क्या बने हैं, शेप बने हुए हैं। क्या बने हैं बच्चों, शेप बने हैं। मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर करेस्पॉन्डिंग शेप, कलर द स्फीयर्स ब्लू, प्रिंट्स रेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्क्वेयर्स को क्या करेंगे आप ब्लू कलर से, और प्रिंस को आप क्या करोगे, रेड कलर से, ठीक है। तो ये जो सारे शेप बने हैं आपको इस तरह से कलर करना है बस, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका डे 15 में ही है एस एल ब्लेंड। अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, रीड अलाउड द वर्ड इन ईच रो, कलर द पिक्चर विद द सेम बिगनिंग ब्लेंड एज योर फर्स्ट पिक्चर इन द रो। तो इसमें देखिए इसमें आपको जो एस एल वर्ड जो बने हुए हैं, जैसे स्लैब है फर्स्ट में दिया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ है स्लैब, सेकंड में आपको क्या दिया है, स्लो, और फिर थर्ड आपका ग्रेन, फोर्थ है आपका ट्रे। तो आपको इसमें क्या करना है, जो सेम बिगनिंग वाले वर्ड हैं आपको उन पिक्चर्स को क्या करना है, कलर करना है। जैसे स्लैब को आप कलर करोगे, और ये नीचे स्लो बगल में स्लो दिया है, आप इसे कलर करोगे, ठीक। सेकंड है आपका स्लैम, एस ए एल स्लैम, फिर है आपका एस ए एल ए, एस एल ए पी स्लैब। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, कलर करना है। थर्ड में है आपका
था आपका आज का डे 12, डे 13, डे 15 का वर्क। सभी बच्चे इस वर्क को अपने बुक में आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग डे 16 पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपका ये मैथ में होमवर्क है, चलिए एडिशन है आपका होमवर्क, जिसे आप लोग मैथ की कॉपी में मुझे डन करके दिखाओगे बेटा, ठीक है। 5, 3, 4, 4, 3, 2, 6, 1, ये रहा आपका एडिशन। लुक एट हियर, सभी बच्चे इसको ऐड करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया है ऐड कैसे करना है, और ऐड करने के बाद आप इसका आंसर यहाँ नीचे फिल करोगे और मुझे सेंड करोगे। तो अगर और कोई प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आता आप उससे पूछ सकते हो। और सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करो।